ये वाई बाय अपना क्वेश्चन चेक मतलब एक्सप्रेशन चेक कर लीजिएगा, दिस इज वाई बाय एक्स एंड दिस इज एक्स बाय वाई। एफ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट में एक्स क्यूब वाई मल्टीप्लाइड विद साइन एंगल में पाई बाय टू इंटू एक्सपोनेंशियल वाई बाय एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स वाई कॉस ब्रैकेट पाई बाय थ्री एक्सपोनेंशियल में ई पावर एक्स बाय वाई माइनस वन। ठीक है, अब पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला है तो आप लास्ट क्लास लगा सकते हैं, या जिनको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना आता है वो वैसे कर सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे। बट अब आपके अंदर ये प्यास तो जगी गई कि जैसे पिछले दो क्वेश्चंस थे शायद ये भी आराम से हो जाए, कुछ ना कुछ तो होगा, करो। हाँ जी, प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ होगा, चलिए कहानी सुनने को तैयार हो जाइए। यस स्टूडेंट, देखिए इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट एक तो समथिंग ओवर समथिंग से बचो, और पॉलिनोमियल टाइप या एक लाइन में जो लिखा जाए रैशनल एक्सप्रेशन टाइप नहीं होना चाहिए, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे क्या चीज़ है। होमोजीनियस फंक्शन, किस फंक्शन को होमोजीनियस कहते हैं, सो डेफिनेशन ऐसे नहीं, वो जो चीज़ पहले कह रहे थे वो तो ऑब्जर्वेशन हमारा, अभी देखिए पहले एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस, ऑफ ऑर्डर एन डिग्री एन एक ही बात है, दिस इज इफ एंड ओनली जब आप एक्स वाई को रिप्लेस करेंगे टी एक्स टी वाई से या लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से ही बन, तो ये बन जाना चाहिए टी पावर एन इंटू एफ एक्स वाई। प्लीज वेट फॉर अ सेकंड, अभी हम लोग टू वेरिएबल कर रहे हैं, बट भाई इतनी इतनी समझदारी आप सब में है कि ये डेफिनेशन थ्री वेरिएबल में भी जाएगा, फोर में भी जाएगा, सब में जाएगा। तो मतलब अगर थ्री वाला है तो एक्स की जगह टी एक्स लिखो, वाई की जगह टी वाई लिखो और जेड की जगह टी जेड लिखो। अगर यहाँ से टी पावर एन बाहर आ रहा है और एफ एक्स वाई जेड ऐसे मिल रहा है आपको, तो इसको बोलेंगे दिस होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन, जो भी यहाँ से बाहर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आ जाइए, आराम से समझ, सबको आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, व्हाट इज एफ ऑफ टी एक्स टी वाई, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा कुछ नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता है, बताइए क्या बन गए, इज इट टी स्क्वायर टाइम्स एफ एक्स वाई, टेल मी क्या बोला जाएगा। एफ इज होमोजीनियस ऑफ, बोलो डिग्री टू जो यहाँ पे आया है, दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री टू। ये क्या है होमोजीनियस ऑफ डिग्री, आई थिंक आप समझ गए क्या चीज है, मोटा मोटा तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब एक्स वाई जेड को टी एक्स टी वाई टी जेड से रिप्लेस करके टी बाहर वो बताएगा आपको कि कितने डिग्री का होमोजीनियस है। अच्छा अभी सुनिए, पहले यहीं पे बात कर लेते हैं, लास्ट क्लासेस अगर आपने की है तो करनी चाहिए भाई, करनी चाहिए अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास की है। यस, व्हाट इज डी बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रल यू एक्स टू वी एक्स एफ टी डी टी, ये किया है आपने क्लास में। हाँ जी, इसी में सेकंड फॉर्म डी बाय डी एक्स ऑफ यू एक्स वी एक्स एफ टी की जगह एक्स टी डी टी। हाँ जी, दोनों चीजें की हुई है ना, बहुत क्वेश्चंस किए, बोलो भाई। फिर जिन्होंने लास्ट क्लासेस किए, लास्ट क्लासेस इसी में वन टू नंबर थ्री एंथ डेरिवेटिव फॉर्मूला याद है आप लोगों को, हाँ बोलने लायक चीज नहीं है भाई, अगर आपको याद नहीं है मतलब आपने क्लास ही नहीं किया। यू वी पावर एन याद है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 148 क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने, 125 सब में यही याद आएगा आपको। यू वी एन क्या बताया था, एन सी जीरो, यस यू ओके यू जीरो वी एन, पावर की जरूरत नहीं है, नीचे लिख दो कोई बात नहीं, प्लस एन सी वन यू वन वी वी एन माइनस वन, वो चलता रहेगा ऐसे ही, ओके लेट मी राइट हियर, प्लस एन सी टू यू टू वी एन माइनस टू, करते करते यू नो लास्ट में क्या आएगा, एन सी एन यू एन वी नॉट। और ये हमने इन सब का अच्छे से यूज किया है क्वेश्चंस में भी,
अदरवाइज भी देखा है हमने। अब देखिए आप सभी लोग वही इसी लिस्ट में, मतलब ये जो काम की चीज है इसमें एक और काम की चीज आने वाली है आपके, आप सबके सामने, वो ये है बहुत कमाल की चीज। दिस इज कॉल्ड ऑयलर्स थ्योरम। वेट 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 वेट, कब लगानी है? तो शक्ल देख के पता लग जाएगा ऑयलर लगेगा, कहाँ लगाना है पता लग जाएगा आपको, डोंट वरी, घबराइए नहीं, सब आराम से हो जाएगा। क्या है स्टेटमेंट? इट सेज एफ एफ एक्स वाई, पहले टू में चलते हैं, इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन, डिग्री एन, देन व्हाट विल हैपन, देन दिस विल हैपन, एक्स टाइम्स, देखो भाई जरा ध्यान से, हम पिछले दो तीन क्वेश्चंस में भी यही एक्सप्रेशन से डील कर रहे हैं, दो चार कर रहे हैं, तो इसलिए वो पहले ही करा दिया आप लोगों को। यस, इसमें भी कुछ ऐसे ही है, वही सब हो रहा है, प्लस माइनस पार्शियल डेरिवेटिव के साथ क्या क्या लिखा हुआ है आपको दिखाया है। इस प्रेजेंट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू वाई। अब देखे जरा ऑयलर्स भाई सब क्या कह रहे हैं, सॉरी, हाँ जी, इफ एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस, होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन, देन ये एक्सप्रेशन देखेंगे, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई, जी इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। जरा ठहरिए, अभी ये टू वेरिएबल में है, अगर थ्री में लिखना हो तो अब समझ जाओ, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड डेल जेड डेल एफ बाई डेल जेड, एग्जैक्ट आंसर आएगा, कुछ करना नहीं है। मतलब अगर ये फाइंड करने के लिए बोला है तो ये फाइंड ही नहीं करना आपको, उधर वाला फाइंड करना है। क्या लिखना है आप भी देख लेते हैं क्या लिखना है। अगर आपका डिग्री डिग्री अगर एन है तो भाई ये आएगा एन टाइम्स द फंक्शन, और कुछ नहीं है, ये भी सेम एन टाइम्स द फंक्शन, दैट मीन्स इफ द डिग्री इज टू, ये टू टाइम्स द फंक्शन, दिस इज ऑल्सो टू टाइम्स द, या थ्री है तो अकॉर्डिंगली एवरीथिंग विल चेंज। प्रैक्टिकली देख लेते हैं सच है भी या नहीं है। अभी इस यहाँ कहाँ किस में बताओगे, इसमें बता दो, बताइए जरा एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, बोलिए आई थिंक यू कैन सी क्या आया, टू टाइम्स, ये तो टू टाइम्स फंक्शन है, क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसका यूज कैसे करना है, यूज करेंगे अभी, पहले स्टेटमेंट तो लिख लीजिए। यस प्लीज, सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, एंड देन ऑयलर्स थ्योरम। प्रेजेंट क्वेश्चन तो खो ही गया, कोई बात नहीं, उसी के लिए हो रहा है सब, शक्ल देख के पता लग जाएगा, थोड़ा सा बस ऑब्जर्व करना है आप लोगों को। ये और वेरिएबल्स के लिए भी कर सकते हैं, बट आपको पता है टू थ्री से आगे तो क्या ही पूछेगा। डन, यस ऑल ऑफ यू, इसमें क्या लिखेंगे, एफ इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितना है, टू टू, लाइक वाइज अपने देख लीजिएगा। अब आपकी वो काम की चीज है ऑयलर थ्योरम, वी नो दिस, बहुत क्वेश्चंस किए हैं इस पे भी, टेस्ट सीरीज में भी हो गया, अदरवाइज भी हो गया, ये तो आपने देख ही लिया था, दो तीन क्लासेस से देख रहे हैं हम। अब ये नई चीज आ गई एग्जाम के लिए, छोटी छोटी चीजें हैं, इसी कैटेगरी में इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम भी होता है, वो भी आपको एग्जाम से पहले पता होना चाहिए कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, सारी फॉर्म्स इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ऑल फॉर्म्स। ये एक्सप्रेशन ऑल ऑफ यू एग्जाम में ये एक्सप्रेशन देखते ही क्लिक होना चाहिए कि भाई ये ऑयलर्स में आता है, ये तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड के साथ, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा है तो आपको यही थ्योरम याद आना चाहिए। स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया, टाइम लगाइए इस पे, नहीं तो प्रेजेंट क्वेश्चन भी नहीं निकाल पाओगे। टाइम लगाने के लिए बोला है ऑयलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट पे, जो बोला गया वो करिए।
यस ऑल ऑफ यू एवरीवन, इज इट होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3 दिख रहा है ना? तो ये तो निकालना ही नहीं आपको, इसकी जगह क्या निकालना है? सो आपको सिंपली 3 टाइम्स fxyz लिखना है या fxy लिखना है, बस हो गया खत्म। जो भी आएगा अपने लिखते रहिए, क्या करना क्या है इसमें। अच्छा, अगर इसके प्लेस में, इन प्लेस ऑफ दिस, अगर आपको ये फाइंड करने के लिए बोला होता तो भाई इधर ध्यान लगाओ आप सभी लोग, ये और ये सेम ही है ना, एकदम सेम चीज है। अच्छा, कैन यू फाइंड दिस? भाई आप सबको ये आर्गुमेंट क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, हाँ, ये वाला पार्ट भी क्लियर होगा। व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है? ये वही है जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं भैया। स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, अब जरा नोटिस करिए, गैप दे दे के लिख रहे थे हम बार बार, गैप दे दे के लिखा जा रहा था। ये जो एक्सप्रेशन है ये किसी पॉइंट पे है, सो दिस इज एट द पॉइंट एक्स वाई, दिस इज एट द पॉइंट एक्स वाई एंड दिस एन टाइम्स फंक्शन एट द पॉइंट एक्स वाई। दैट मीन्स अगर आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए 2-3 पे निकालना है, तो भैया फिर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। ये तो गड़बड़ है सारी, वो जो नजर नहीं आती। अभी आपके ऑयलर्स थ्योरम क्या थी? वो कहते हैं अगर आपका एफ होमोजीनियस है, सब ध्यान लगाइए भाई सर, देन ये तो याद कर लिया आप लोगों ने, एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई, ये निकालने के लिए, सॉरी डेल एफ बाय डेल वाई, ये निकालने के लिए आपको ये निकालना ही नहीं है, इसकी जगह आपको एन टाइम्स एफ लिख देना। तो देख तो लो पहले क्या पॉइंट है, ये दिस इज एट एक्स वाई, तो यहाँ जो एक्स वाई है उसका एक्स आएगा इधर, इधर जो एक्स वाई है उसका वाई आएगा इधर, एंड ये हो ही रहा है आपका एक्स वाई पे। जरा ये बताइए, आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं, शेयर ऑब्जर्वेशन, इज इट ओके? क्या है? ओहो, ये तो वही है, ये तो वही है जो प्रेजेंट क्वेश्चन में फाइंड करना था, लेकिन हम फाइंड कर ना सके। Is it clear to all of you? नोट कर लेना बाद में, प्रेजेंट में आइए। यस, एक्स वाई की जगह टी एक्स टी वाई लिख के रफ में देख लो कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। देखिए वो टी एक्स टी वाई यहाँ परेशान नहीं करेगा क्योंकि टी तो कैंसिल ही हो जाना है, वहाँ इधर भी प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि कैंसिल हो जाना है। यू नो यहाँ से कितना टी बाहर आ रहा है और यहाँ से कितना टी बाहर आ रहा है, तो ये दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितना, खत्म क्वेश्चन। सॉरी, एफ इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, देयरफॉर बाय ऑयलर्स थ्योरम एक्स एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई प्लस वाई एफ वाई एट द पॉइंट एक्स वाई, दिस विल बी कितना, 2f एट द पॉइंट एक्स वाई, इन पर्टिकुलर जो निकालने के लिए बोला है वो तो हमें निकालना ही नहीं है, बोलिए किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स एफ वन वन, वॉट इज एफ वन वन, अब वो तो निकाल दो कम से कम। पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालना ही नहीं है, सारी समस्या ही हल हो गई यहाँ तो। वन डालेंगे तो वन हो जाएगा, ये साइन पाई बाय 2 बनेगा, हाँ जी 2 ही रहेगा आई थिंक, सो दिस इज 2 इनटू साइन पाई बाय 2, ये कितना है आपका कॉस पाई बाय 3, हाँ कॉस पाई बाय 3 है, कॉस पाई बाय 3 कितना होता है भाई, कॉस 60 1 बाय 2, सो 1 प्लस 1 बाय 2 यानी 3 बाय 2, सो 2 इनटू 1 प्लस 1 बाय 2, सो दैट इज 2 इनटू 3 बाय 2, कितना आंसर आया जी। तो देखिए ये अगर आपने क्लास कर लिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब याद होता रहेगा आपको, आराम से प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्वेश्चन भी रिकॉग्नाइज कर लोगे।